हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टाइल ऑफ क्रिएटिविटी। आज हम बहुत खूबसूरत सी ये कॉटन बॉल्स बनाएंगे। इसके लिए हमें कैंची चाहिए, एंकर की लच्छी चाहिए जो कि कॉटन थ्रेड है, पेंसिल और एक रूलर और ग्लू इसके लिए हम यूज़ करेंगे। और ये इतनी सुंदर सी हमारी कॉटन बॉल्स बनके तैयार हो जाएंगी। देखिए किस तरीके से इनको बनाना है। सबसे पहले हमने थ्रेड को लिया है और जितना बड़ा हमारा रूलर है उसके हम राउंड्स लगाएंगे। हमने यहाँ पर 2 राउंड्स लगा लेने हैं एक स्टैंडर्ड कॉटन बॉल के लिए। अगर आपको बड़ी चाहिए तो बड़ा ज़्यादा राउंड ले सकते हैं, बड़ा थ्रेड ले सकते हैं। और इस तरीके से अब हमारी 2 स्टिक हमें मिल गई है, इसको हमने कट कर लिया है। अब हमने एक पेंसिल ली है, आपके पास जो भी हो, पेन हो पेन ले सकते हैं, लकड़ी की कोई डंडी हो वो आप ले सकते हैं। बस उसकी सरफेस जो है वो थोड़ी चिकनी होनी चाहिए, खुरदुरी नहीं होनी चाहिए। ये हमने 3 राउंड लगा के उसको, राउंड लगाने के बाद हमने इसमें ग्लू लगाया है। आप अगर पहले ग्लू लगा देंगे तो थ्रेड जो है वो पेंसिल या पेन पर चिपक जाएगा, तो जब आपको इसमें से बॉल निकालना होगा मुश्किल लगेगा। इसलिए आप बिल्कुल स्टार्टिंग में गम ना लगाएं। और ये लगभग 20 लपेटे या 20 राउंड्स हमने थ्रेड के लगाए हैं। और मैंने थोड़ा सा इसको खिसका दिया था, मूव कर दिया था थ्रेड को, जिससे कि वो चिपके ना। और देखिए इस तरीके से हमें अब जो हमने थ्रेड लपेटा है उसकी वीविंग करनी है हमको। तो एक बार ऊपर से लेंगे और एक बार नीचे से लेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो थ्रेड हमने लपेटा है 20 राउंड्स में, उसको हम पूरे को कवर कर देंगे। और एक हाथ से हम पेंसिल को रोल कर रहे हैं और दूसरे हाथ से हम थ्रेड को सेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये वीविंग को करते जाएंगे। और इसमें स्पेसिंग का आपको ध्यान रखना है कि जब आप थ्रेड लपेट रहे हैं तो बिल्कुल स्पेसिंग नहीं रहनी चाहिए, एक के बाद एक स्ट्रिंग ठीक से आनी चाहिए, तब आपकी कॉटन बॉल्स देखने में भी सुंदर लगती हैं और वो मजबूत भी रहती हैं। अगर आपने अभी स्टाइल ऑफ क्रिएटिविटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और हमें ये पूरा ही थ्रेड जो हमारा दिख रहा है अभी नीचे, उसको हमें इसी तरीके से वीव करते हुए कवर कर देना है। इसमें आप बिल्कुल ढीला ना छोड़ें थ्रेड को, और टाइट करके ही आप इसको राउंड्स को लगाएंगे, तो आपका थ्रेड बिल्कुल अच्छे से सेट होता हुआ चला जाएगा। और ये अब ऑलमोस्ट हमारा ये पूरा बॉल की शेप आ चुकी है, सारा थ्रेड हमारा जो है छिप चुका है और वीविंग कंप्लीट लगभग होने वाली है। अब इसका एंड हमें किस तरीके से करना है ये आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। देखिए ये अब हमने एंड पे हमने ग्लू लगा देना है और इसको अच्छे से चिपका देना है। और जहाँ हमने वीविंग करी है ऊपर और नीचे, वहाँ पर भी हम थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे, जिससे जो हमारी खूबसूरत सी वीविंग है वो बिल्कुल भी किसी भी हालत में खुले ना। और देखिए इस तरीके से हमने इसको मूव करके निकाल देना है। हमारी कॉटन बॉल बिल्कुल बनके तैयार है। ये देखिए कितनी सुंदर सी दिखाई दे रही है। ये हम जितने कलर की हमें चाहिए हम बना सकते हैं। ये मैंने शेडेड थ्रेड की बनाई है, एंकर की लच्छी ही आती है जो कि कलर्ड होती है, मल्टी शेड होती है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इनका यूज़ आपको बताऊंगी। अगर आपको ये सुंदर झुमके बनाने हैं डेनिम के, तो क्लिक कीजिए। स्टोरेज बॉक्स बनाने के लिए क्लिक कीजिए।